अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो लेट्स स्टार्ट ओवर टू डेज वर्क। नाउ वी आर गोइंग टू डू वर्क ऑफ इस्लामियात बुक। ओपन योर इस्लामियात बुक एंड द पेज नंबर इज 22। इस्लामियात बुक पेज नंबर 22. First of all, you will mark your date and day, then we will start our work. Mark your date and day. Your sabak number is 7. हम हिस्सा ज़ुबानी याद कर रहे थे जिसमें कल हमने सूरतुल असर के बारे में पढ़ा था, और इसको आई होप कि आपने इसको याद कर लिया होगा। उसका मैंने थोड़ा सा आपको मतलब भी समझाया था कि इसका मतलब में क्या बताया गया है। आज की हमारी सूरत है सूरतुल कौसर, सूरतुल कौसर। सो लेट्स स्टार्ट ओवर वर्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिक वन्हर इन्ना शानी अका हुवल अब्तर। बेशक हमने आपको कौसर अता किया, बस आप अपने रब के लिए नमाज अदा करते रहें और कुर्बानी करते रहें, बेशक आपके दुश्मन का नाम मिट जाएगा। आपने सूरतुल कौसर की अरबिक भी याद करनी है और इसका तर्जमा भी याद करना है। इसके अरबिक और इसकी ट्रांसलेशन आपने दोनों याद करनी है। अब मैं थोड़ा सा आपको इसका मतलब समझा दूं। इस सूरत में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने आपको बहुत खूबियां और अच्छी चीज़ें अता की हैं, आप शुक्र के तौर पर नमाज पढ़ा करें और कुर्बानी किया करें, हम आपके दुश्मनों को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। यानी इस सूरत में अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि हमने आपको बहुत अच्छी अच्छी नेमतें, अच्छी अच्छी चीज़ें और खूबियां अता की हैं, तो आप उनके बदले में हमारा शुक्र अदा करें। शुक्र कैसे अदा करें? कि आप नमाज पढ़ा करें और कुर्बानी किया करें। और दुश्मनों को ख़त्म कर देने की बात यह है कि आपके दुश्मन जो बात आपको कहते हैं, आप उसकी टेंशन ना लें, आप उसकी फिक्र मत करें, हम खुद उनका खात्मा कर देंगे अगर आप हमारी नेमतों का शुक्र अदा करेंगे। तो इस सूरत का मतलब ये है कि हमें भी जब अल्लाह ताला ने इतनी ढेरों नेमतों से नवाजा है, तरह तरह के फलों से नवाजा है, घर घर दिए हैं, तो उसके बदले में हमारा क्या हक बनता है कि हम अल्लाह ताला के हजूर सजदा रेज हो जाएं, अल्लाह ताला के लिए नमाज अदा करें और सदका खैरात करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और शुक्र किस तरह से किया जा सकता है? शुक्र हम नमाज अदा कर अदा कर सकते हैं। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह ताला हमसे बुरी बलाओं को दूर रखेगा, हमसे बुरी नज़र को, हसद करने वालों को दूर रखेगा। जैसे अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि हम आपके दुश्मनों को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, तो हमारे लिए भी इसमें ये हुक्म है कि अगर हम अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों पर उसका शुक्र अदा करेंगे और उसके लिए नमाज पढ़ेंगे, तो अल्लाह पाक हमसे बुरी चीज़ों को हमेशा के लिए दूर कर देंगे। तो आपने ये सूरत याद करनी है और इसका तर्जमा अच्छे से लर्न करना है। अल्लाह